हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम मॉक टेस्ट 1, जिसमें कि आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मॉक टेस्ट के कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। दिस इज़ ए 25 MCQ मॉक टेस्ट। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट +1 मार्क, यानी एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। फॉर ईच रॉन्ग आंसर यू विल गेट -0.3 मार्क्स, और एक गलत आंसर के लिए आपको -0.3 मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर ब्लैंक आंसर यू विल गेट 0 मार्क, यानी ब्लैंक आंसर के लिए यानी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क दिया जाएगा। तो दोस्तों, टेक पेन एंड पेपर नाउ। चलिए दोस्तों, अब आपको मार्क्स कैलकुलेट करना सिखाते हैं। सपोज दैट आपके राइट आंसर हैं, आपके 20, ओके 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, तो आपको करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? ईच 1 मार्क, तो आपके मार्क्स हो गए +20, ओके। और सपोज दैट आपके रॉन्ग आंसर हैं 5, तो आपको ईच रॉन्ग आंसर के लिए -0.3 मार्क्स मिलेगा, ओके। तो ये आपके मार्क्स हो जाएंगे 1.5, ओके। तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 20 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 18.5, ओके। एक बार फिर देख लेते हैं। सपोज दैट आपके करेक्ट आंसर 20 हैं और रॉन्ग आंसर आपके 5 हैं, तो 5 × 0.3, तो 1.5 यानी माइनस के 1.5 मार्क्स हमें प्राप्त होंगे। वो 20 में से -1.5 करेंगे तो हमारा टोटल स्कोर होगा 18.5। तो दोस्तों, प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठिए और आप इस टेस्ट को सीरियसली लगाइए, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों हमें बताइएगा कि आपका स्कोर कितना प्राप्त होता है, ओके। और इस वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट।
होप दैट कि आपने मॉक टेस्ट अच्छे से किया होगा। चलिए अब आंसर की देखते हैं, अपने आंसर मैच कर लीजिए। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी, पांचवे का डी, छठे का बी, सात का बी, आठ का सी, नौ का ए, दस का बी, ग्यारह का बी, बारह का सी, तेरह का डी, चौदह का ए, पंद्रह का बी, सोलह का सी, सत्रह का डी, अठारह का डी, उन्नीस का बी, बीस का ए, इक्कीस का सी, बाईस का सी, तेईस का डी, चौबीस का ए, पच्चीस का डी। दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।